अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जौहरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे नींबू पानी, क्योंकि माह रमज़ान की आमद आमद है। तो कोशिश करें कि माह रमज़ान में आप नेचुरल ड्रिंक्स का ही इस्तेमाल मेरे पास करें। हैं जी चार लीमू, ये बड़े साइज़ के लीमू इस तरह से, तो इन्हें हमने दरमियान में से काट के इसे निचोड़ लेना है, और बाकी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करते जाना है। इस तरह से इसके दो दो पीस कर लेते हैं। इसमें से कुछ पीसेस निकालेंगे हम गार्निश के लिए। ये तीन पीसेस हमने जो है ना गार्निश के लिए निकाली हैं। अभी ये जो हमारे पास लीमू है, इन्हें हम जो है ना इसमें निचोड़ लेंगे। लीमू हमने निचोड़ लिए हैं, तो अब इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास है काला नमक, थोड़ा सा काला नमक शामिल करेंगे इसमें। ये मेरे पास ज़ीरा, इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया था, तो थोड़ा सा ये शामिल करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये मेरे पास चीनी है, 3 गिलास मैं जो है ना लीमू पानी बना रहा हूँ, तो इसी हिसाब से मैंने डाली है। आप अगर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मेरे पास पुदीने के पत्ते, ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे जो है ना ब्लेंड कर लेना है। इसे ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लिया है, तो अब इसे छान लेंगे। हमने इसे छान लिया है, तो अब इसमें शामिल करेंगे पानी। अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना सोडा भी शामिल कर सकते हैं, स्प्राइट या 7 अप वगैरह। तो अगर ये रेसिपी आप माह रमज़ान में बना रहे हैं, तो आप जो है ना इसमें सोडा और 7 अप वगैरह बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में ख़ास तौर पर खाली पेट जो है ना गैस वगैरह वाली चीज़ें हमें जो है ना मतलब इस्तेमाल करने से मना करते हैं। इसे हम जो है ना डालेंगे गिलासों में। ये मेरे पास बर्फ़ है, क्यूब्स हैं बर्फ़ के, ये गिलासों में डालते जाएंगे इस तरह से। ऊपर से ये जो हमारा नींबू पानी है ये डाल देंगे गिलासों में। नींबू पानी तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।